उन्नाव में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। काकोरी ट्रेन हादसे की स्मृति में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से देशभक्ति का जज्बा भरा। दानिश आजाद अंसारी ने काकोरी घटना का जिक्र कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वहीं बच्चों को पुरस्कृत कर हौसला भी बढ़ाया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ अधिनियम में सकारात्मक संशोधन आवश्यक है। वक्फ की संपत्ति मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। देखिए, आज हम जनपद उन्नाव आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में काकोरी ट्रेन एक्शन का जो 125वां वर्ष है उसके उपलक्ष्य में उन्नाव में यहाँ विभिन्न तरीके के कार्यक्रम आयोजित हैं। हमारे साथ यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद है, हमारे माननीय सदर विधायक जी मौजूद हैं, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और तमाम जिले भर के जो अधिकारी हैं, संगठन के लोग सब मौजूद हैं। और यहाँ हमने जो प्रदर्शनी अलग अलग डिपार्टमेंट ने लगाई, उन प्रदर्शनियों को भी देखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उसमें भी हम लोग शामिल हुए। और मकसद साफ और स्पष्ट है कि 9 तारीख से 15 तारीख तक जो हमारी सरकार पूरे आज़ादी के इस महोत्सव को धूमधाम से मना रही है। अभी काकोरी ट्रेन एक्शन का 125वां वर्ष में के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हुए, हम सब तिरंगा अभियान की भी शुरुआत होगी और अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध बच्चों के बीच में और उनके अंदर आज़ादी के भाव को और मजबूत करने के लिए जो तमाम हमारी तरफ से प्रयास हो रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो निबंध प्रतियोगिताएं हुई थी उसका भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुआ है।